गुड इवनिंग गाइस, मैं अतुल कुमार, एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन से। चलिए आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेगा कि अब हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में। तो ये जो है मतलब कि एलेवेंथ की जो चल रही है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें थोड़ी सी क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बस अपना जो टैक्सोनॉमिकल एड्स बचा हुआ है, एड्स बोले तो कैपिटल वाला एड्स, मतलब कि डिजीज़ नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि कुछ अपन क्या करते हैं कि एक सिंक्रोनाइजेशन में टैक्सोनॉमिकल कुछ कुछ चीज़ें होती, कोई इन्फॉर्मेशन होता उसके संबंध में जो है उसकी कुछ कुछ मतलब कि सहयोग करने के लिए जो उसकी जो चीज़ें होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं हार्बोरियम है, ठीक है, फिर जो है फ्लोरा है, फोना है, की है, ठीक है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है, ठीक है ना, जू है, बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इसमें बस टैक्सोनॉमिकल ऐड बचा हुआ है द लिविंग वर्ल्ड में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाला है जल्दी। आज तो एक चैप्टर हमने जेनेटिक्स से स्टार्ट कर दिए, तो जेनेटिक्स बहुत ही धांसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ वाले बच्चे, खास करके ट्वेल्थ वाले बच्चे जागरूक हो जाओ, जो भी नीट वाले बच्चे हैं, बिल्कुल ये चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि एक भी लेक्चर आपकी मिस हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें, इतने इन्फॉर्मेशंस बेसिक अपन देते हैं कि जो जो आपका बेसिकली सारे के सारे चीज़ को कवर करते हैं आगे चलने के लिए। यदि ये दो लेक्चर आप मिस कर दिए तो सारे के सारे चीज़ मिस हो जाएगा, तो बिल्कुल ये नहीं करना है। आपका जितना भी लेक्चर होता है, जो भी चीज़ें, जो भी बातें हो रही है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स नहीं पढ़े तो आपको बाद में हमने चर्चा करा था कि भाई आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ सकते हैं, आप डिजीज़ नहीं समझ सकते, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर जो है अपन बात करते हैं इवोल्यूशन पे, वहाँ भी नहीं समझ सकते, बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पे आप मिस करोगे इसको। और इसमें दो चैप्टर पढ़ने को होता है, जैसे चार चैप्टर हम लोग ऑलमोस्ट जो है क्या करें हैं, ख़त्म कर दिए हैं ट्वेल्थ की। तीन चैप्टर अपनी जो एलेवेंथ की ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, ये टैक्सोनॉमिकल ऐड के अलावा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो है अपन करते रहेंगे। ट्वेल्थ वाले बच्चे थोड़ा सा फोकस करो, एलेवेंथ वाले बच्चे तो करना ही करना है। यहाँ नहीं करोगे, एलेवेंथ हमसे नहीं पढ़े तो आपको बिल्कुल मेरी लेक्चर नहीं समझ में आएगी, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड्स की और क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसमें बेटा अपन बात करेंगे जो भी चीज़ें हैं यहाँ से। तो आपको बहुत सारा चीज़ हमने बात करी थी कि ये है क्या, एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, और पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए कि जो भी चीज़ें हमने मेंशन किया है उसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं हालांकि दूसरा बार रिपीट कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं रिपीटेशन नहीं होगी, रिपीट करते रहता हूँ, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, तो रिपीटेशन अच्छी नहीं है, आपके टाइम कंज्यूम होते हैं। तो बिल्कुल उस टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिपीट ना करें, वही सारे के सारे चीज़ करेंगे, रिफ्लेक्शंस तो नहीं आ रहे ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने बात करे थे कि ये क्या है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ, ठीक है ना, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन, इसमें बोले तो कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। क्या बोले कि इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन टू डिटेक्ट, टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल समझ में आती कि नहीं, इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी स्पेसिमेन बोले तो वह क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ें हैं, हमने कहा था कि देखो बेटा, एक तो फ्लोरा है, दूसरा फौना है, तीसरा जो है मोनोग्राफ है, चौथा जो है मैनुअल्स है, पांचवा जो है कैटलॉग है,
ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे म्यूजियम की, बात करेंगे हर्बेरियम की, बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क की, बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात करेंगे, बोटानिकल गार्डन के बारे में बात करेंगे, की के बारे में बात करेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है ना, चलेगा ना। ये सारे का सारे चीज़ें हैं, उसमें से अपन पहले आ, आ, बात करते हैं किसका, तो हर्बेरियम को। बहुत धांसू, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए इसको रब करिए, सब थोड़े थोड़े बात करेंगे। पहले तो मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हर्बेरियम इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ पे पहले बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना, दोनों को एक ही में इंक्लूड करके अपन बात करते हैं। दिखता क्या है फ्लोरा एंड फौना, क्या है कि इट गिव्स, सीधे शब्दों में दूसरा लाइन है आपका, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया ठीक है ना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कोई प्लांट है तो, या कोई एनिमल के ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, इस प्लांट को बोलेंगे फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, फौना ऑफ महाराष्ट्र, चलेगा ना। जैसे मान लो कि बिहार में है तो इसे क्या बोलेंगे, प्लांट है या अपन बात करें तो एनिमल है, तो यहाँ पे फ्लोरा ऑफ बिहार एंड फौना ऑफ बिहार, चलेगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे बात करेंगे, तीसरी बात करते हैं मैनुअल्स का, क्या कहेंगे इसके बारे में कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन स्पेसिमेन ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ प्लांट इट्स नॉन एज क्या, मैनुअल्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल बात करें तो मैनुअल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, इसकी बात होगी। फिर हमारे पास होता है मोनोग्राफ का, और मोनोग्राफ के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको दिखता होगा कि इट गिव्स, ठीक है ना, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है, आपको ये बात तो दिमाग में रखना चाहिए, मोनो मीन्स सिंगल, एक, ठीक है ना।
it gives information about single taxon. It's known as kya bhaiya, monograph. As for example आपको बता दिया जाए तो बहुत सारे जब monograph of avena example के condition में monograph of avena ये क्या है, मतलब कि इसके कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है मतलब कि एक जेनेरिक जो है जेनेरिक नेम है किसका, ऊंट का. इट्स अ जीनस नेम ऑफ ऊंट समझते, जौ बाजरा. ठीक है, उसके बारे में बात करना जा रहा है. फिर जो बात करती है आपका जर्नल की, जर्नल बोले तो कोई भी चीज गोइंग ऑन है, कोई आपका जो है मतलब कि आपकी आपकी कोई मतलब कि इसमें अपन बात करें जैसे ही तो आपका कोई रिसर्च वर्क जो है गोइंग ऑन है, चाहे वो प्लांट पे हो या एनिमल पे हो, उसके आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से हो तो वो आपके चल रहे, तो किसी जर्नल में छपते, अरे किसी मैगजीन में छपते, किसी अखबार में छपते, तो जर्नल वही है, उसी के बारे में बात करी जाती है कि क्या कहते हो आप कि gives information of it gives information of ongoing research of plant या animal भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो example के तौर पे फ्लोरा या नेचर की बात करते हैं. ठीक है, तो मैनुअल्स मोनोग्राफ, ठीक है ना. तो यहाँ पे अपना बात करेंगे कैटालॉग की भी, थोड़ी सी बात कर लेंगे. ठीक है, कैटालॉग की बात करेंगे. ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका तीन चार इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही है. बिल्कुल यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होना चाहिए. तो यहाँ पे बात करेंगे कैटालॉग की. कैटालॉग में कह क्या रहा है कि इट हैव इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन इन विच अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है. ठीक है ना, अब कंडीशन क्या है कि अरेंजमेंट अबाउट अ स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्शन होगा. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन a specific description. जैसे आपको बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, ये तो कैटालॉग हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया. आपको हर्बेरियम की तरफ लेके चलते हैं, दिख रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन, जू, म्यूजियम, ये सारे के सारे बात करेंगे यहाँ पे. लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, हर्बेरियम का. हर्ब्स, ठीक है ना, और उसकी जो है, ठीक है ना, हर्बेरियम कहने का मतलब है कि इसकी ये साइज की बात करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे धांसू ये पूछा जाता है, मतलब कि 41 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है और 29 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है. ये याद रखना. तो ये है क्या, इसमें क्या करते हैं कि इट इज द प्लेस फॉर storage of date, dried, ठीक है ना,
ट्रेस्ट प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन द हार्बेरियम सीट हार्बेरियम सीट ठीक है ना हार्बेरियम सीट ठीक है ना इट्स अरेंजमेंट अकर्स अकॉर्डिंग टू ठीक है ना अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होती है मतलब कि मस्ट एक्सेप्टेड ठीक है ना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसी के बेस पे इसकी जो है अरेंजमेंट होती है। तो क्या क्या है यहाँ पे याद रखिएगा आप याद क्या रखोगे DPPS ये क्या होता है डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट नहीं है। ये क्या है कि जो हम लोग हार्बेरियम में करते क्या है कि हार्बेरियम जो होती है एक बोला जाता है कि ड्राई गार्डन बोलते हैं इसको सूखा गार्डन। मतलब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन मतलब कि कहीं भी जाते हैं कोई कोई पीएचडी कर रहा होता है जैसे मान लो कि मैं पीएचडी करा तो मेरी जो है थेसिस होती है या कोई भी चीज़ का करने का है तो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है उस पर करना है ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि तो आपने आपने कोई चीज़ रिसर्च वर्क के लिए गया है तो मान लो कि कोई टेक्निक पकड़ के लाया कहीं से अब कहाँ से लाया किस तरीके से लाया ठीक है ना मतलब कहाँ से लाया उस जगह का नाम होना चाहिए किस समय किस प्लेस से लाया उस जगह का नाम होना चाहिए डेट होना चाहिए कि किस डेट पे आपने उसको लाया उसके उसके वेनरल नेम होना चाहिए मतलब लोकल नेम होना चाहिए उसके साइंटिफिक नेम होना चाहिए उसको इंग्लिश नेम होना चाहिए सारे के सारे नेम होना चाहिए तो डेट प्लेस और कलेक्टर का नाम होना चाहिए जो कलेक्ट करके मैंने मान लो कि मैंने मैंने एक जो है प्लांट पे रिसर्च करी ठीक है ना तो उस उसकी एक एक पार्ट को हमने लाया उसको इस तरीके से अरेंज करके ढेर सारा जो है पार्ट वहाँ पे लाना होता है एक 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 जेनेरा के बहुत सारा स्पेसिस को लाना होता है और उस पर क्या करते हैं कि एक जो है सीट होता है उस पर अपन क्या करते हैं उसको सुखाते हैं सुखाने के बाद जो है बहुत सारे प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अपन बात कर रहे हैं अभी अभी तुरंत करने वाले हैं उसको जो है वहाँ पे स्टिच कर देते हैं। पहले तो क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं ड्राई करने के बाद उसको प्रेस करते हैं मतलब कि इस्त्री करते हैं उस पर आयरन करते हैं आयरन के साथ साथ आयरन भी समझ सकते हैं आप उसको प्रेस करके मतलब दबा के रखते हैं और उसमें बहुत सारे जो है पेस्टिसाइड डाली जाती है इंसेक्टिसाइड डाली जाती है ताकि कोई भी जैसे मान लो कि मर्क्यूरी क्लोराइड के बारे में बात करते हैं HgCl2 तो वो क्या करते हैं फंगिसाइड होते हैं जैसे जैसे अपन DDT की बात करते हैं इंसेक्टिसाइड होता है तो ये सारे के सारे उस पर छिड़कते हैं ताकि क्या हो कि कोई भी फंजाई और इंसेक्ट उसको क्या करे खाए नहीं बर्बाद नहीं करे तो उस सीट पर हम अरेंज करके रखेंगे तो उसको सुरक्षित रखना होगा ठीक है ना। तो किस तरीके होता है मतलब बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे अपन बात करते हैं तो DPPS कहने का मतलब है कि डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट नहीं होता है ड्राइड होना चाहिए डेड होना चाहिए प्रेस्ड होना चाहिए प्रिजर्व होना चाहिए कहाँ पे ऑन द सीट ऑफ ऑन द हार्बेरियम सीट ठीक है हार्बेरियम सीट पे। तो यहाँ पे अपन ये बातें कर लिए अब इसकी बातें करेंगे कि किस तरीके से इसका स्टेप्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्टेप्स है जिस स्टेप्स के जरिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को अरेंज करके किस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे आइए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ DPPS प्रिजर्व करने की प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस जो होती है बेटा स्टेप्स की बात करते हैं तो कलेक्शन की बात करते हैं कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि प्लांट स्पेसिमेन लिया और प्लांट स्पेसिमेन में क्या लिया वो तो पता है कि नहीं पता है। एक मान लो कि हर्बेशियस लिया
मतलब हर्ब्स को लिया, तुलसी पुदीना ये सब जो है, एक जो है वुडी ट्री को लिया। तो किसको रखना है भैया, इसमें क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व हॉल ट्री, हॉल हर्ब्स पूरे के पूरे। और यहाँ पे क्या करते हैं, टिक ड्रिंक्स और ब्रांच को जो कैसा हो लीफी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो दूसरा कंडीशन हम बात करेंगे कि इसको क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने के लिए क्या करेंगे, स्पेसिमेन को स्प्रेड ओवर, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, स्प्रेड ओवर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे इसको स्प्रेड करते हैं, इसको रोल करते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना, या कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, ब्लॉटिंग पेपर हो सकता है, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर हो सकता है, ये हो सकता है। इसके बाद अपन क्या करेंगे वहाँ पे, तो प्लेस्ड इनटू फोल्डर, और फिर अब क्या करेंगे कि इसको यूनिफॉर्म पेस्ट करेंगे, यूनिफॉर्म्ड पेस्ट कर दिया। फिर जो जैसे ही बात करेंगे तो इसमें थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे, और थर्ड स्टेप के कंडीशन में इसको पॉइजनिंग करते हैं, और पॉइजनिंग के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो वी यूज सर्टेन केमिकल्स, जो क्या करता है केमिकल्स टू प्रिवेंट द ठीक है ना, केमिकल्स क्या करते हैं टू प्रिवेंट इंसेक्ट कोई भी पेस्ट से। तो क्या क्या करेंगे, दो चीज़ें यहाँ पे हमको करने को है, एक तो फंगीसाइड है जिसमें हमने HgCl2 लिया, मर्क्यूरी क्लोराइड लिया, और यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा DDT का, ठीक है ना, जो क्या है इंसेक्टीसाइड है, इसको लिया। फिर चौथा प्रोसेस अपने को लेना पड़ेगा, माउंटिंग करेंगे, कहने का मतलब है कि इसको अरेंज करेंगे एक वे में, और फिर जो है इसको स्टिचिंग करेंगे, चिपकाएंगे, स्टिचिंग करने के बाद इसको क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। और लेवलिंग करने का तरीका क्या है उसको मैं बताता हूँ, किस तरीके से लेवल किया जाएगा, ये आपको लेवलिंग का तरीका मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारा तरीका है, वहाँ पे हमने कहा कि इसको लेवल करा जाएगा, और लेवल करने के लिए क्या करेंगे कि देखो, एक हमने क्या किया कि यहाँ पे हार्बेरियम सीट को बनाया, तो लंबाई हमारा 41 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 29 सेंटीमीटर है। यहाँ पे खोपचे में एक छोटी सी जगह लेते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी जगह लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, और ये जो अरेंज होता है ना, जो भी लीफ है, जो भी चीज़ें हैं, उसको अरेंज करते हैं एक तरीके से, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करके, ठीक है ना, लिया जाता है। ये मान लो कि छोटा छोटा है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे रख देंगे, और इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिमेन को हम क्या करें, उसको अरेंज करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ये कोने में जो रखते हैं जगह, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, राइट, क्या क्या लिखते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का नाम लिखते हैं जो कलेक्ट करके लाया, फिर जो है लोकल वेनेरियल, नेम ऑफ
स्पेसिमेन जो भी हम कलेक्ट करके लाए हैं, फिर जो है बोटेनिकल नेम लिखते हैं, फिर जो है इंग्लिश नेम लिखते हैं, ये सब हम उस स्पेसिमेन का लिखते हैं जो हमने कलेक्ट करके लाया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से हमने उसको लाया है। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, और फाइनली अपन करते क्या है कि यहाँ पे फाइनली उस चीज़ों को देखते हैं कि इसको क्या करें कि इसको टाइटली जो है डिप्ट करते हैं इन हार्बेरियम सीट। तो लास्ट में इसको क्या करते हैं, जो फिफ्थ प्रोसेस होता है डिपोजिशन का, ठीक है ना, टाइटली प्रेस्ड ऑन हार्बेरियम सीट। ठीक है ना, हार्बेरियम सीट पे हमने क्या करा, उसको डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है आपको नाम जो है हमने थोड़ा सा एग्जांपल लिखेंगे कि एग्जांपल कौन कौन सा है, और ये हार्बेरियम प्रत्येक बॉटनिकल गार्डन में होता है। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये हार्बेरियम प्रत्येक बॉटनिकल गार्डन में हुआ करता है। ठीक है, और हर जगह पे कोने में छुप खोपचे से जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमने हार्बेरियम सीट पे लिखा है, उसी तरह से एक बॉटनिकल गार्डन में ये होता है। जनरली ये सब जो है अपन बात करेंगे। चलो यहाँ पे एग्जांपल जो है बॉटनिकल गार्डन का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसको मैं रब करूँ। ठीक है ना, एक आपको आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि जब दुनिया के सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है कौन सा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ क्यू इंग्लैंड में है, जिसमें लगभग 60 लाख स्पेसिमेन जो है कलेक्ट करके रखा गया है। दूसरा जो है हमारे देश का जो है नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, तो यहाँ पे वर्ल्ड, ठीक है ना, लार्जेस्ट हार्बेरियम इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, कहाँ पे भैया, इंग्लैंड में। ठीक है ना, इसमें ठीक है ना कलेक्शन है यहाँ पे आपका, बताया जाता है कि लगभग 260 लाख है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है ना, कितना है, 60 लाख प्लांट स्पेसिमेन है, 60 लाख। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे बात करते हैं तो सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम की बात करते हैं, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम एट सिपुर कलकत्ता। ठीक है ना, यहाँ पे कलकत्ता में है, ये क्या है, लार्जेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया। ठीक है ना, इसके पास 2 लाख प्लांट स्पेसिमेन कलेक्टेड है, प्लांट स्पेसिमेन आर कलेक्टेड है यार। ठीक है,
अब इसकी थोड़ी सी फंक्शंस के बारे में अपन बात करें, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है, ठीक है, आ जाइए। इसका किस पर्पस से अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन की बात करें तो क्या क्या बात करेंगे? फंक्शन में बात करो तो पर्पस की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं तो पहला बात करेंगे, इट इज यूटिलाइज फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन बाय कंपेयरिंग हर्बेरियस ठीक है ना हर्बेरियस स्पेसिमेन। दूसरी बात करेंगे, इट इज यूटिलाइज इन अल्फा टैक्सोनॉमिकल रिसर्च। हर्बेशियस स्पेसिमेन इज फॉर क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडी। ये सारे के सारे फंक्शन हैं, मतलब कि एक तो अपन बात करेंगे कि अल्फा टैक्सोनॉमिकल रिसर्च के लिए जो हर्बेशियस स्पेसिमेन है उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसको किया जाता है यूज, और फिर जो है टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए जो क्विक रेफरेंस सिस्टम है उसके लिए किया जाता है। तो ऑल ओवर अपन बात करते हैं तो ये हर्बेरियम जो है एक स्टडी पर्पस से रखा जाता है। ये कहाँ से लाया गया, क्या लाया गया, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है, किसने करा, ये सारे के सारे हर मतलब कि बॉटनिकल गार्डन में ये हुआ करता है। तो ठीक है, थैंक यू।